अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह शर्मा खुशामद बात करेंगे। तुम बिन का चीज़ें कैप्शन 23 के प्रमो के बारे में आज कुछ में आपने देखा, दिल से माफ़ी मांगते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम रिश्ते की बात चला रहे हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं तो झुकते हुए आते हैं। उसका बाप कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ। और अपनी बेटी को गले लगा के उससे काफ़ी अच्छे से वो अलविदा कहता है। उसकी माँ की मर्जी होती है और ज़ारा की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग चले जाते हैं। वहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट होता है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में होता है। उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था और उसके घर वाले उसे ढूंढते हैं। उसका बाप भी उससे जाके उसे जगह ढूंढता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उनका पता चलता है। वहीं पर काफ़ी छोटे ज़ारा को भी आती है, लेकिन उससे होश आ जाता है। वहीं उसके घर वालों को जब पता चलता है, सात को और सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरह वो आके उसे बताते हैं कि दिल की मौत हो गई है। दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल में जब उसका बाप देखता है अपनी जवान बेटी की मौत, तो सब पूरी तरह टूट जाते हैं। ज़ारा को जब पता चलता है तो वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। और वहीं उसकी माँ उसकी सास उसे कहती है सब कुछ इसकी वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं उसके बेटे को लेकर जाया जाता है, उसे वो याद आता है किस तरह उसने कहा था कि मौत के अलावा हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, और मौत ने उन्हें जुदा कर दिया। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या नया मोल्डेगी ज़ारा की जिंदगी में। हादसा आपकी अपने एक मिनट के जरिए जरूर दीजिएगा।